को तो शेट ठोक दीजिए महाकाल का तमाके लाके उसे ठोक दीजिए पांच हजार लौटे दिख जाना चाहिए तो ऑक्सीलेशन हैं क्या ऑक्सीलेशन हमें अ, अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है कि टो एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन यानी कि रिपीटेड मोशन है तो हम उसे ऑक्सीलेशन कहेंगे इसके एक और डेफिनेशन भी हमें मिलती है अ पीरियोडिक मोशन विच रिपीट्स इट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स यानी कि ऐसी मोशन जो कि रिपीट कर रही अपने आप को आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम्स उसे हम कहते हैं ऑक्सीलेशन तो अगर हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखें तो हमें एक पेंडुलम जो है अगर तो वो ऑक्सीट कर रहा है ठीक है एक मीन पोजिशन के गर्द वो मूव कर रहा है तो हम उसे भी क्या कहेंगे कि ये भी एक ऑक्सीशन है उसके अलावा एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है कि एक स्प्रिंग uh, के साथ एक मैस अटैच है और वो वाइब्रेट हो रहा है तो हम उसे भी ऑक्सीलेशन कहेंगे बेसिकली ऑक्सीशन और वाइब्रेशन दोनों सेम चीज़ें हैं अप्रोक्सीमेटली या फिर अगर एक बाउल के अंदर एक बॉल है और हम उसे एक्सट्रीम पोजिशन पर लेके जाके छोड़ दें तो वो भी अबाउट अ मेन पोजिशन ऑक्सीट करेगी तो हम उसे भी ऑक्सीलेशन कहेंगे या फिर अगर एक ट्यूनिंग फॉक है या आपके पास एक स्केल है और आप उसे पकड़ के एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाके छोड़ते हो तो वो भी एक मेन पोजीशन के गिर ऑक्सीट करता रहता है तो ये सारी ऑक्सीशनस की एग्जांपल हैं तो अगर इनकी ऑक्सीेशन देखें तो कुछ इस तरह की हमें ऑक्सीेशन देखने को मिलती हैं वालेकसर ये है हमारी ऑक्सीशनस अब ऑक्सीशनस को इनडेप समझते के लिए फॉर एक्जाम्पल अगर हम एक इनमें से केस पकड़ें जो कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम का है तो ये हमारा जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है इस वक्त स्टेबल स्टेट पे है कोई ऑक्सीलेट नहीं कर रहा हम इसे उठा के एक एक्सट्रीम एक पोजिशन पर ले जाते हैं ठीक है और यहाँ पर जब लेके जाते हैं तो इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगी जिसे हम एफ आर कहेंगे और ये फोर्स हमेशा टुवर्ड्स दी मेन पोजिशन होगी यानी कि ये ऑब्जेक्ट जिसको हमने डिस्टर्ब किया और हम इसे एक एक्सट्रीम पोजिशन तक लेके गए हैं ये अपनी मेन पोजिशन पर वापस आना चाहता है तो जो फोर्स लग रही होगी ऑन दी मैस वो एफ आर हमेशा टूवर्ड्स दी मीन पोजिशन होगी और जब हम इसको छोड़ेंगे हम इसको एक्स डिस्टेंस तक लेकर गए हैं तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये मीन पोजिशन से आगे भी निकल जाएगा और जब ये उससे आगे निकलेगा दोबारा जो इस पर जो रिटार्डिंग फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ठीक है तो वो हमेशा किसी एक फिक्स डायरेक्शन में रहेगी उसकी डायरेक्शन जो फिक्स्ड हम कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि वो हमेशा टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन एक्ट करेगी तो हमारे पास टोटल ये तीन किस्म की पोजीशंस आती हैं इना ऑक्सीशन या इना वाइब्रेशन तो उन तीन पोजिशन में से एक पोजिशन हम कहते हैं कि ये हमारी मेन पोजिशन है जिसे हम ओ कह रहे हैं और दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उनको मेन पोजिशन लेके एक्सट्रीम पोजिशन तक जो डिस्टेंस होता है हम उसे एम्पलीट्यूड ऑफ दी ए -ए वाइब्रेशन कहते हैं सो तो खैर हमारे पास ये टोटल तीन पोजिशन आती हैं उसके अलावा जो हमारा ऑक्सीलेशन है इसका ताल्लुक़ एक साइनोसाइडल वेव के साथ भी है कि ऑक्सीलेशन जो है वो एक साइनोसाइडल पीरियोडिक वे में हो रही होती है वो किस तरह से होती है उसको भी हम आगे चल के इनडेप देखते हैं तो so, हमारी जो ऑक्सीशन हैं हम इसको स्टार्ट करेंगे सिंपल हारमोनिक मोशन से तो so, सिंपल जितनी भी ऑक्सीलेशन है ये तमाम तर सिंपल हारमोनिक मोशन ही होते हैं तो सिंपल हारमोनिक मोशन दोबारा से हम वही एग्जाम्पल लेते हैं कि सिंपल हारमोनिक मोशन है क्या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मै स्प्रिंग सिस्टम है और हम इसको उठा के डिस्टेंस हमने इसको फ्रॉम द मेन पोजिशन डिसप्लेस कर दिया अब जब हमने इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया तो इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगी अभी हम दोबारा पहले भी देख चुके हैं जो कि टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन होगी तो जो हमारी ये रिटार्डिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास किससे डिस्प्लेसमेंट जो भी हमने इसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम दी मेन पोजिशन अब ये नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी डिसप्लेसमेंट है और जो हमारी रिटार्डिंग फोर्स है उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर है ठीक है तो नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है और दोनों चीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम प्रोपोशनैलिटी खत्म करें तो प्रोपर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आ जाता है तो इस केस में जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है इसे हम स्टिफनेस ऑफ दी स्प्रिंग कहेंगे तो जो एफ आर है हम उसको एफ फिजिकल्स टू एम ए होती है हमारे पास ठीक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो वहां से एफ फिजिकल्स टू एम ए आ गया और बाकी जो इक्वेशन है हम उसको वैसे का वैसे लिख देंगे -Kx. अब यहाँ पे हम एक्सलेशन का रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं विद द डिस्प्लेसमेंट एक्स तो हम मैथ्स को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मैथ्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी अब यहाँ पे इस केस में अगर आप देखो जो k और m है ये दोनों कॉन्स्टेंट है हमारे पास ठीक है तो हम यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी डेवलप कर सकते हैं कि जो हमारी एक्सलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे डिस्प्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट एक्स से अब डिस्प्लेसमेंट एक्स हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन होती है और नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी एक्सेलेशन है वो हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजिशन होगी तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्सिलेशन एट एनी इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी मीन पोजिशन तो बेसिकली ये जो नेगेटिव साइन इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन होती है और जो हमारी फोर्स और जो हमारी एक्सलेशन है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजिशन होगी और जब फॉर एग्जाम्पल अगर हम उस एक्सट्रीम से इसको इस एक्सट्रीम पे ले आए ठीक है जब हम वहाँ से छोड़ेंगे तो वो मेन पोजीशन से आगे ओवरशूट कर जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट तो जब वो उस नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो उसके बाद जो रिटार्डिंग फोर्स है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी और रिटार्डिंग फोर्स हमेशा अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट होगी और टुवर्ड्स दी मेन पोजिशन होगी इस चीज़ का ध्यान रखना तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये हमें मेन पोजिशन की तरफ है तो हमारा ओरिजिनली ऑब्जेक्ट जो स्टेबल था वो यहाँ पर था तो जब ये यह यहाँ पे आया ठीक है तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट थी वो इस डायरेक्शन में थी और जो हमारी फोर्स थी वो इस डायरेक्शन में थी और जब ये यह यहाँ पे आया तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी क्यों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हुई है डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम दी मेन पोजीशन होगी और जो हमारी रिटार्डिंग फोर्स है वो हमेशा टूवर्ड्स दी मेन पोजिशन होगी इसी मै स्प्रिंग सिस्टम को अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें ठीक है अब हम बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की उनमें से एक प्रॉपर्टी है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन क्या होती है तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से क्या हमरादा है और एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन से हमारी क्या अरादा हम है उसके अलावा हम देखेंगे एक कंप्लीट वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन हम किसको कहते हैं और जो टाइम पीरियड है टाइम पीरियड हम देखेंगे कि एक ऑक्सीशन में हम टाइम पीरियड किसको कहते हैं और फ्रीक्वेंसी इन अ वाइब्रेशन या इन अ ऑक्सीशन क्या होती है और उसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब आप कहोगे कि ये तो एक आ, आ, ऑक्सीट्री मोशन है तो इसका सर्कुलर मोशन यानी एंगुलर जो की है वो सर्कुलर मोशन से रिलेट करता है तो आप कहोगे कि उससे इसका क्या ताल्लुक है तो उससे भी इसका ताल्लुक है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिंपल हारमोनिक मोशन चाहे वो किसी भी किस्म का हो मैच स्प्रिंग सिस्टम हो या एक सिंपल पेंडुलम हो उन तमाम की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सिमिलर होती हैं सब में हम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस डिसप्लेसमेंट से क्या रहा है हमारी तो फॉर एग्जाम्पल हम इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम को एक एक्सट्रीम पोजिशन पर ले गए उठा के और हमने इसको छोड़ दिया तो ये क्या करेगा अबाउट द मीन पोजिशन वाइब्रेट करने लग जाएगा अब हम इसके इस मोशन को एनालाइज करेंगे किस तरह से फ्लक्चुएट या किस तरह से मूव कर रहा है किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम इसके इसके साथ एक मार्कर लगा देंगे और इसके पीछे एक शीट रख देंगे अब जैसे जैसे ये ऑक्सीट कर रहा है ये शीट जो है इसके पीछे से एक कॉन्स्टेंट विलोसिटी के साथ गुजरेगी तो जब ये इसके पीछे से कॉन्सटेंट विलोसिटी के साथ गुजरेगी फॉर एग्जाम्पल अगर ये मूव नहीं कर रहा और इसके साथ जो मार्कर है वो क्या करेगा वो इस पर एक स्ट्रेट लाइन लगा देगा अब जब हम इसको ऑक्सीट करेंगे और तब इस शीट को पीछे से गुजारेंगे अब शीट गायब हो गया लेकिन बेसिकली हमने शीट को रोल कर दिया एक तरह से ये समझ लो और हम इसको एक एक्सट्रीम पोजिशन पर ले गए हैं और ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये हमारे पास एक वेव सी क्रिएट होगी ऑन दी शीट और वो वेव हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगी ठीक है इस वेव को हम कहते हैं ये एक साइनोसाइडल वेव है ठीक है तो अगर हम ये हमारा सिंपल हारमोनिक मोशन है जो कि पीछे मौजूद जो शीट है उस पर ट्रेस हो रहा है तो अगर हम इसका जो पाथ या जो इसने पैटर्न बनाया है अगर हम इसको एनालाइज़ करें तो इस पैटर्न पे हमें बेसिकली जो एक्स एक्सिस है हमारा वो हमें इंडिकेट कर रहा है टाइम एक्सिस को अगर हम उस पर इक्वल इंटरवल्स लें तो वो हमें फॉर एग्जांपल अगर इतना इंटरवल एक सेकंड का है तो अगर मैं इतना ही इंटरवल आगे लूँ तो वो दो सेकंड का होगा तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स है ऑन दी एक्स एक्सिस तो हमें यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे हम किसी भी टाइम पे अगर हम इस जो हमारा फंक्शन प्लॉट हुआ है इसकी हाइट देखें इस पॉइंट की हाइट देखें तो ये हमें क्या देगा ये हमें उस इंस्टेंट पे एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट देगा ऑफ दी वाइब्रेशन ठीक है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वाइब्रेशन उसके अलावा जो एम्पलीटूड है एम्पलीट्यूड बेसिकली उसके मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है हम उसको कहते हैं कि ये हमारा एम्पलीट्यूड है तो मेन पोजीशन हमारी ये थी इससे एक्सट्रीम पोजीशन ये है तो मेन पोजिशन से लेकर एक्सट्रीम पोजिशन तक जो भी उसने डिस्टेंस कवर अप किया या डिस्प्लेस हुआ उसको हम कहते हैं कि ये हमारा एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड ये ना समझना कि नेगेटिव एक्सट्रीम से लेकर पॉजिटिव एक्सट्रीम तक होता है नहीं मेन पोजिशन से लेकर चाहे आप पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाओ या नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाओ एम्पलीट्यूड आपका हमेशा पॉजिटिव ही होता है तो आप ये आपका बेसिकली एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और ये आपका नेगेटिव एम्पलीट्यूड है ठीक है अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन क्या है तो वाइब्रेशन एक कंप्लीट वाइब्रेशन या एक कंप्लीट ऑक्सीशन हम उसको कहेंगे कि जब आ, हम किसी भी इंस्टेंट पे उसको नोट करें और जो हमारी वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन है वो अपना एक कंप्लीट साइकिल करें और साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो अपनी उस पोजीशन पे वापस आ, आ जाए तो उस पूरी जर्नी को हम कहते हैं कि ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन या एक कंप्लीट ऑक्सीशन तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाइब्रेट कर रहा था ठीक है तो ये यहाँ से गया यहाँ तक आया ठीक है और उसके बाद ये वापस यहाँ पे आया तो हम इसको कहेंगे क्या क्या ये कंप्लीट वाइब्रेशन यानी ये कंप्लीट वाइब्रेशन यहाँ तक नहीं होगी बेसिकली ये तब जब हमने इसको नोट किया था ये नीचे मूव कर रहा था लेकिन अब ये मेन पोजीशन के पे आने के बाद ऊपर मूव कर रहा है तो हम पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी कि अपर एक्सट्रीम तक जाएंगे और उसके बाद जब ये वापस अपनी मेन पोजिशन पर आएगा तो हम इस पूरी जर्नी को कहेंगे कि ये हमारी एक कम्प्लीट ऑक्सीशन या एक कम्प्लीट वाइब्रेशन है तो अगर हम ग्राफ पर भी देखें तो ग्राफ पर भी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हम यहाँ तक गए यहाँ पे मेन पोजीशन वापस आए लेकिन यहाँ तक उसका कंप्लीट साइकिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड्स मूव कर रहा है और यहाँ पे मेन पोजीशन पे आने के वे डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है तो हमने एग्जैक्ट उसी स्टेट पे वापस आना है तो हम मज़ीद मूव किए मजीद मूव करेंगे मजीद मूव करेंगे और जब यहाँ पे दोबारा मेन पोजीशन पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम अपवर्ड्स मूव कर रहे थे और यहाँ पे भी हम अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए हैं और यहाँ से लेके कर यहाँ तक जो हमारे पास जो वाइब्रेशन बनती है हम इसको कहेंगे ये हमारी कंप्लीट साइकिल है या एक कंप्लीट वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन जो भी आप की वर्ड इसके लिए यूज करना चाहो आप कर सकते हो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास वो है टाइम पीरियड अब टाइम पीरियड क्या चीज़ है बेसिकली एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन या एक कंप्लीट वाइब्रेशन को होने के लिए जो टाइम लगता है हम उसको कहते हैं कि ये टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन या टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन है तो फॉर एग्जांपल इस कंप्लीट साइकिल को पूरा होने में जितना भी टाइम लगा हम उस को कहेंगे कि ये इसका टाइम पीरियड है कि फॉर एग्जांपल ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन एक सेकंड में कर रही है हाफ हाफ सेकंड में कर रही है टेन मिली सेकेंड में कर रही है वो वेरी कर सकता है तो उसको हम कहते हैं कि ये एक कंप्लीट हमारे पास टाइम पीरियड है फ्रिक्वेंसी क्या चीज है फ्रीकवेंसी टाइम पीरियड के उल्ट चीज है फ्रिक्वेंसी से मुराद ये है कि एक सेकेंड में ये चीज कितनी दफा वाइब्रेट कर रही है एक सेकेंड में क्या वो चार दफा वाइब्रेट कर रही है वो पांच दफा वाइब्रेट कर रही है वो एक दफा वाइब्रेट कर रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी है ठीक है और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में एक दूसरे का रेसिप प्रोकल है तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं कि ये वन डिवाइड बाई टाइम पीरियड है वालेकुम हनीफ तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड है अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब आपको वंस अगेन आपको अगे कि ये एक वाइब्रेटरी मोशन है और इसका सर्कुलर मोशन के साथ क्या है सर्कुलर मोशन क्यों क्योंकि यहाँ पर आपने एंगुलर का कीवर्ड देखा है तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज रोटेट कर रही है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी से ही मुराद ये है कि वो एक सेकंड में कितने रेवोलूशंस कवर कर रही है ठीक है तो जो आपके पास ओमेगा या एंगुलर विलोसिटी होती है वो आपके पास बेसिकली अगर आप उसे रेवोल्यूशन पर सेकेंड में अगर आप उसे मैयर कर रहे हो तो वो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहलाई जा सकती है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी से मुराद हमारे पास क्या टू पाई एफ ठीक हो गया तो इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको आगे चल के हम मजीद इन डेप्थ भी देखेंगे और एफ़ को हम इनवर्स ऑफ यानी कि टाइम पीरियड भी लिखते हैं तो हम इसको टू पाई एफ़ भी लिख सकते हैं और टू पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड टी भी लिख, लिख सकते हैं